Subscribe and press the bell icon for latest update. सबसे बड़ी धोखाधड़ी के एक मामले में इकोनॉमिक ऑब्सेसिव बिग ईओडब्ल्यू ने पैन कार्ड क्लब्स पीसीएल केस में जांच का जिम्मा अपने हाथ में ले लिया है। यह मामला कथित तौर पर 50 लाख से ज्यादा निवेशकों के करीब 7,035 करोड़ रुपए ठगने का है। इससे पहले बाजार नियामकन संस्था सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी ने पीसीएल को अपनी प्रॉपर्टीज नहीं बेचने का निर्देश दिया था। इसने पीसीएल की संपत्तियां बेचकर निवेशकों के पैसे लौटाने के मकसद से बिक्री प्रक्रिया अपनाने के लिए रिटायर्ड जज आए एम लोडा को नियुक्त किया था। इकोनॉमिक ऑब्सेज बिग के ऑफिसर ने कहा है कि एजेंसी ने इंडियन पीनल कोड के तहत धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। साथ ही पीसीएल और इसके 6 डायरेक्टरों के खिलाफ महाराष्ट्र प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिट्स की धाराएं भी चलाई गई हैं। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि प्रभा देवी स्थित उनका हेड ऑफिस अब बंद कर दिया गया है। दादर निवासी नरेंद्र बातोकर ने 10 दिसंबर को पीसीएल के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। एक अधिकारी ने बताया पीसीएल होटल में ठहरने की एक स्कीम लाया था। वह लोगों को मेंबरशिप देकर निवेश करने को कहता था। इसके लिए वह इन होटलों में हॉलीडे पैकेज ऑफर कर रहा था। एसपी नैनीजुरम की रिपोर्ट।